कल यानी सोमवार को सतनामी समाज के लोगों ने बलौदा बाजार में उग्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था। डीएम और एसपी दफ्तर परिसर में खड़ी सैकड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहनों को आग की भेंट चढ़ा दिया था। बलौदा बाजार में हिंसा और नुकसान का खुला तांडव देखने को मिला था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था। इतने बड़े स्तर पर मचे कोहराम को देखकर प्रशासन भी सकते में आ गया था। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए उपद्रव को लेकर प्रशासन और शासन गंभीर है और किसी भी मूड में उपद्रव करने वालों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 6000 उनके द्वारा बताया गया था कि 3 से 4 हजार लोग आएंगे और लगभग 4 से 5 हजार लोग आए थे, और चूंकि वह पूरी तरह से अनकंट्रोल नेतृत्वहीन होकर के उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। कितने पुलिस बल जो तैनात किया? लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस के ऊपर ही उन लोगों ने बहुत ज्यादा पथराव किया कि कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंजर्ड हुए हैं। वो अभी कार्रवाई बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इससे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो कर रही है क्या, किस तरीके से कर रही है, इनको चिन्हित करके क्या करें? हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मेरे कार्यालय में हुआ है और ऊपर फोर्ट में है, अभी हम लोग उनका और भी आकलन कर रहे हैं। दरअसल बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोग गिरौदपुरी में अपने धार्मिक चिन्ह जैत खाम और मंदिर तोड़े जाने को लेकर प्रशासन को लगातार ज्ञापन दे रहे थे। इसी दौरान वो दशहरा मैदान से कलेक्ट्रेट पहुंच गए। हालांकि कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई थी और पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी भारी संख्या में थे। वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर जा घुसे। तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, कई कारों को जला दिया। किशोर नवरंगे और दीपक है, उनसे लगातार हमारी मेरी खुद की ऐसी आपकी और हमारे नीचे के अधिकारी की बैठक होती रही है। जब घोषणा हो गया उसके बाद उस दिन की रात तक बात होती रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की इसके अपनी घटना नहीं करेंगे, शांति चूंकि शासन ने घोषणा कर दिया है हमारी मांग को, इसलिए हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और इसके बाद जो है हम ज्ञापन देंगे वो भी गार्डन चौक में, तो आएंगे ही बातें नहीं करेंगे कार्यालय का और जो इतना आपको प्रदर्शन हो गया और इसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी? बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस अपनी उसमें सबने तफ्तीश कर रहा है, बयान इत्यादि लगे फिर आगे की। 5 दिन से लगातार ये कह रहे थे। इस वारदात से पूरा छत्तीसगढ़ हिल गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने पूरी घटना में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया है। दिल्ली गए डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी सूचना मिलते ही रायपुर पहुंचे। किया गया है, जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए, अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई, सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है, ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं भाई? अधिकारियों को थोड़ी सजा होती है, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? उन गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा? और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले बड़े हैं। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून का उस पर काम। कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग भी घायल हुए। कलेक्टर और एसपी दफ्तर में भी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं।
बहुत सारे चीज पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं, और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। आपको बता दें कि 15 मई की रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर माना कोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैद खाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके विरोध में सतनामी समाज के हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास दशहरा मैदान में कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ की स्थिति है तो बहुत बड़े दुखद घटना है, ऐसे घटना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है, बहुत दुखद है, और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सतनामी समाज के लोगों का आरोप था कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं। पुलिस असली दोषियों को बचा रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए और पूरे बलौजा बाजार में कोहराम देखने को मिला, लेकिन भारी स्तर पर हुए उपद्रव को लेकर प्रशासन अब सख्त है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलौदा बाजार से अशोक टंडन की रिपोर्ट।